वालेकुम, सारे खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक नई रेसिपी और नए व्लॉग के साथ आए हैं। आज हम बना रहे हैं वाइट हांडी। ये चिकन है, अभी हम इसको अच्छी तरह वॉश करेंगे और उसके बाद इस्तेमाल करेंगे खाने के लिए, खाना बनाने के लिए। जी, गोश्त अभी बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ हो चुका है, अभी हम अगला प्रोसेस करते हैं। वही पुराने अड्डे पर पहुँच चुके हैं, हमने सारा सामान ले लिया और गोश्त। तो ये वो चूल्हा आप लोगों को याद ही होगा। ये कम रखी है लकड़ियाँ यार ऊपर। हेलो भाई, क्या कर रहे हो यार, कुछ बताओ हमें भी। ये देसी टोटका है। अच्छा। इससे बर्तन ब्लैक नहीं होते, ठीक है। अच्छा, हो गया। मतलब ये जो लकड़ी की आग होती है आयली है, बस बहुत है। थोड़ा पानी लेके, थोड़ा पानी नहीं करना, ब्राउन नहीं करना। अब ये हल्का हल्का ब्राउन, ये हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है। धुआं बहुत है, ओए ओए धुआं बहुत है। चला मैं अभी मारूं गांड। गोश्त हमने भून लिया है, अभी दही डाल रहे हैं इसके अंदर वाला मसाला हमने डाल दिया। अभी हम क्रीम, पता नहीं वरना क्या करते, सारा डब्बा डाल देते हैं। क्या कुछ क्यों कर रही है, जीरा वो डाले दिखाओ दिखाओ। तो लगता है कि भाई आज हमारी वाइट हांडी बिल्कुल नहीं बनेगी, देखते हैं और 10 मिनट कितनी देर लगती है। 10 मिनट पहले भी मैंने कहा था कि 10 मिनट रह गए, लेकिन सालन जो गोश था वो कह रहा है कि नहीं। और तला मुझे कह रहा है कि बकवास न कर भाई, तू पानी इतना डाल रहा है इसके अंदर। तिरोड़ा बन गया जी, बिल्कुल वाइट हांडी बिल्कुल तैयार है, लेकिन थोड़ी सी गलती हुई है जिससे इसका रंग चेंज हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल रंग होता ही है बहन, चलो वैसे जवाब देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल पूछो। एक घड़े में दो रंग पानी, एक घड़े में दो रंग पानी, एक घड़े में दो रंग पानी। हाँ सॉरी, नहीं आता, सच ही नहीं आता, नहीं झूठ बोल जी। नहीं आप भाई, एक गड्ढे में दो रंग पानी क्या होता है तला भाई, इधर बताए, इधर देख रहे, सोच रहे ना फिलहाल, सोच रहे हैं। नहीं मैं आज बताऊँ। हाँ बता। अंडा। वाह वाह, तालियाँ।